क्वेश्चन नंबर थर्ड, ये क्वेश्चन नंबर फाइव का पार्ट है, ओके। एक्सरसाइज 8.4 है, एक्सरसाइज 8.4, ओके। आपको प्रूफ करनी है टेन थीटा डिवाइड बाई 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा डिवाइड बाई 1 माइनस टेन थीटा इक्वल टू 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा, ओके। आपको देखो हिंट भी दिया हुआ है कि राइट द एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा, यानी टेन और कॉट को साइन कॉस, साइन थीटा और कॉस थीटा में से चेंज कर दो, तो ईजी रूप से आप इसे प्रूफ कर लेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं, राइट हैंड साइड प्रूफ कर लेंगे, ओके। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, देखो थर्ड पार्ट एल एच एस इक्वल टू दिया हुआ है टेन थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस टेन थीटा। तो हम टेन और कॉट को हम क्या करें, साइन कॉस में चेंज कर लो, तो टेन थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो करो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस कॉट थीटा, कॉट थीटा इक्वल टू होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, फिर कॉट थीटा क्या आता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और यहाँ 1 माइनस टेन थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ओके। अब हम डिनोमिनेटर में क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, ये साइन थीटा एलसीएम होगा यहाँ पे, तो साइन थीटा यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, कॉस थीटा यहाँ पे एलसीएम आएगा, यहाँ कॉस थीटा क्या होगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, ओके। क्या आएगा साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा, ये आएगा आपको साइन थीटा एलसीएम ले लो, क्या आएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये आएगा ओके, और यहाँ प्लस कॉस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा, यहाँ भी कॉस थीटा नीचे क्या आएगा एलसीएम आएगा, कॉस थीटा एलसीएम ले लो, तो यहाँ क्या कॉस थीटा से मल्टीप्लाई हो जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ओके। अब बेटे ये क्या है, आपको ये डिवीजन है, इसे मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करोगे तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, साइन थीटा ऊपर चला जाएगा यहाँ भी, क्योंकि इसे डिवाइड में अगर मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करोगे तो ये कॉस थीटा क्या होगा ऊपर चलेगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो चलो करते हैं, साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा इंटू साइन थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, फिर प्लस यहाँ वे हो जाएगा कॉस थीटा डिवाइड बाय क्या है, कितना है कॉस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा इंटू, ये कॉस थीटा ऊपर चला जाएगा, क्या होगा कॉस थीटा डिवाइड बाय कितना है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ओके। अब साइन थीटा इंटू साइन थीटा कितना होगा, साइन स्क्वायर थीटा, ओके, डिवाइड बाय कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ओके। अब देखते हैं यहाँ पे, देख यहाँ पे साइन साइन माइनस कॉस थीटा है, बट यहाँ कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है, तो अगर माइनस कॉमन ले लेंगे यहाँ पे तो आ जाएगा आपको यहाँ पे क्या साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो जाएगा, चूँकि माइनस कॉमन ले लो यहाँ से, चूँकि यही आ जाएगा, चूँकि जब ये आ जाएगा तो हम लोग क्या कॉमन ले लेंगे, ठीक है, तो माइनस कॉमन लेंगे, तो माइनस कॉमन लेंगे तो क्या यहाँ पे यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, माइनस कॉस इंटू कॉस कितना होगा कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय नीचे ये आ जाएगा बेटे साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो जाएगा, ओके। जब माइनस कॉमन लेंगे बेटे जो माइनस वो प्लस हो जाएगा, जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, अब देखिए आप कॉमन ले लेंगे हम लोग साइन माइनस कॉस थीटा, साइन माइनस कॉस थीटा क्या है डिनोमीटर से कॉमन आ जाएगा, तो
कॉमन ले लो, तो वन डिवाइड बाय साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ये आएगा। ओके, और ऊपर क्या आएगा यहाँ पे, साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा माइनस यहाँ भी आएगा कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय कितना है साइन थीटा। अब देखिए बच्चे, यहाँ कॉस और साइन है, एलसीएम लेंगे हम लोग, एलसीएम क्या होगा, दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा, साइन इंटू कॉस थीटा हो जाएगा, तो ले लेते हैं ये आ गया इक्वल टू, यहाँ दूसरे पेज से कर रहा हूँ, इक्वल टू वन बाय साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ब्रैकेट, अब हम एलसीएम लेंगे, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा एलसीएम आएगा। अब हमने दोनों को मल्टीप्लाई करके हम एलसीएम फाइंड आउट किया, तो ऊपर क्या लिखेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे साइन स्क्वायर थीटा से, तो साइन इंटू साइन स्क्वायर थीटा कितना होगा, साइन क्यूब थीटा माइनस, माइनस माइनस दे दो, फिर क्या करेंगे, अब हम लोग क्या करेंगे, अब इस कॉस थीटा को इस कॉस स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कितना होगा कॉस क्यूब थीटा, प्लस माइनस आता है बच्चे आप लोग नहीं आता है, ओके आपको प्लस माइनस आना चाहिए, ओके। कैसे एलसीएम लेते हैं, ओके अब देखो क्या आ गया बच्चे, ये इस फॉर्मेट में आ गया ए क्यू माइनस बी क्यू, नहीं नहीं ए क्यू माइनस बी क्यू के फॉर्म में आ गया, तो आइडेंटिटी यूज करना पड़ेगा तभी आप सॉल्व कर पाएंगे, ओके यूज करते हैं ए क्यू माइनस बी क्यू का आइडेंटिटी क्या होता है, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे ए क्यू माइनस बी क्यू इक्वल टू होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये आइडेंटिटी होता है, ओके। अब देखो यहाँ ए के जगह पर क्या लिखा हुआ, साइन थीटा, बी के जगह पर क्या है कॉस थीटा है, जहाँ ए है वहाँ साइन थीटा लिखेंगे, जहाँ बी है वहाँ कॉस थीटा लिखेंगे, लिख दो इक्वल टू वन बाय साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, स्टार्ट करो आइडेंटिटी यूज करो, ये वाला ए माइनस बी मीन्स हो गया ए है साइन थीटा बी है कॉस थीटा, ए माइनस बी हो गया, ओके अब क्या करेंगे ए स्क्वायर, ए क्या साइन है साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए बी, ए बी क्या है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, अब प्लस बी स्क्वायर, बी क्या है आपका कॉस थीटा है कॉस स्क्वायर थीटा, ओके बंद कर। अब देखिए बच्चे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या है, तो वन होता है, फर्स्ट आइडेंटिटी हम लोग आइडेंटिटी जब डिस्कस कर रहे थे फर्स्ट आइडेंटिटी यही है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना, तो वन होता है, ओके तो इसको एक जगह लिख दो। अब देखो यहाँ पे बेटे ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ऊपर भी है और नीचे भी, और ऊपर भी एज ए फैक्टर है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कैंसिल हो गया चूँकि मल्टीप्लाई में है, कैंसिल हो जाएगा, कितना आ गया तो ये आ गया, ओके यहाँ डिनोमीटर में भी है, यहाँ डिनोमीटर में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो इसे भी लिखना है डिवाइड बाय क्या लिखेंगे, ओके डिवाइड बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ओके कैंसिल हो गया, तो ऊपर में क्या बचा, ऊपर में है ये आपका साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा है प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पे क्या है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइड बाय नीचे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब इसका वैल्यू क्या होता है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या है, तो वन होता है, तो वन लिख दो, इसके जगह पे लिखेंगे वन इक्वल टू वन प्लस साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब देखो ये साइन थीटा इंटू कॉस थीटा जो है ये वन में भी डिवाइड है और इसमें भी डिवाइड, दोनों में डिवाइड है, तो दोनों में डिवाइड कर दो सेपरेट, अलग अलग सेपरेट कर दो, ओके वन में डिवाइड करो पहले, क्या लिखेंगे हम लोग वन डिवाइड बाय
साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस यहाँ पे साइन थीटा, इसमें भी डिवाइड करते हैं, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ओके, अब देखो ये तो ऊपर नीचे सेम है, कैंसिल हो जाएगा, यहाँ क्या बचा वन, और यहाँ इसको हम लिख सकते हैं बेटे ऐसे वन बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा भी लिख सकते हैं, वन बाय साइन थीटा इंटू वन बाय कॉस थीटा और प्लस वन, तो वन बाय साइन थीटा क्या होता है कोसेक थीटा, कोसेक थीटा इंटू वन बाय कॉस थीटा होता है सेक थीटा प्लस वन, ये राइट हैंड साइड आ गया आर एच एस हो गया प्रूफ्ड। ओके, इसे हमने प्रूफ कर दिया। लोग यही था, देख लेता हूँ शायद यही था, यही था कि ए तो वन प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा, यही ये प्रूफ करना था, हो गया गया कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा प्लस वन। ओके, नेक्स्ट देखो फोर्थ पार्ट देख लो, फोर्थ पार्ट इसमें कहते प्रूफ करो ये दोनों इक्वल है, आपको हिंट भी दिया हो यहाँ पे, सिंप्लीफाई करो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेपरेटली, इसको सिंप्लीफाई करो, इसका सिंपलेस्ट फॉर्म में लाओ, इसको भी सिंपलेस्ट फॉर्म में लाओ, अगर दोनों की वैल्यू सेम आ जाए इसका मतलब दोनों इक्वल हैं, ये डायरेक्ट लेफ्ट साइड और राइट साइड इक्वल नहीं होगा, तो इसको सेपरेटली सिंप्लीफाई करना होगा, इसको भी सेपरेटली सिंप्लीफाई करना होगा। तो आते हैं बारी बारी दोनों करते हैं हम लोग, फोर्थ पार्ट ये कितना है वन प्लस सेक ए डिवाइड बाई सेक ए। ओके, लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं हम लोग, पहले वन प्लस सी के डिवाइड बाई सी के फोर्थ पार्ट लेफ्ट हैंड साइड कितना है सी के डिवाइड बाई सी के प्लस वन, यही था ना, कितना है हमने ऊपर में वन प्लस सी के, वन प्लस न्यूमरेटर में क्या है वन प्लस, वन प्लस सेक ए डिवाइड बाय सेक ए। अब इसे क्या करेंगे हम लोग, कॉस और कॉस में चेंज कर दो, तो सेक इसका रेसिप्रोकल होता है कॉस का, लिखेंगे वन प्लस वन बाय कॉस ए, नीचे क्या नीचे भी लिखेंगे वन डिवाइड बाय कॉस ए, बट ऊपर में क्या एलसीएम लेना पड़ेगा, एलसीएम कितना होगा कॉस ए, कॉस ए इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना आएगा, तो ये आएगा आपका कॉस ए एलसीएम आएगा, तो ऊपर में क्या आएगा कॉस ए प्लस वन, नीचे जाएगा वन डिवाइड बाय कॉस ए। ओके ओके, अब क्या होगा बेटा, ये एक्चुअली यहाँ पे क्या है डिवाइड है, तो इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करो तो ये कॉस ये क्या होगा ऊपर चला गया, ऊपर चला जाएगा यानी रेसिप्रोकल हो जाएगा। ओके तो कर लेते हैं हम लोग इक्वल टू क्या है यहाँ पे कॉस ए प्लस वन, ये वन प्लस कॉस ए डिवाइड बाय कॉस ए इंटू यहाँ ए रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो क्या होगा कॉस ए डिवाइड बाय वन, अब क्या क्या कैंसिल होगा देखो, तो कॉस ए कैंसिल हो गया, तो कितना इसका वैल्यू आ गया, यानी ये वैल्यू आ गया बच्चे वन प्लस कॉस ए। ओके, यानी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू आ गया एल एच एस इक्वल टू हो गया वन प्लस कॉस ए, इसे फर्स्ट इक्वेशन ले लिए हमने, सिंपलेस्ट फॉर्म में इसे कन्वर्ट कर दिया कि इसको लेफ्ट हैंड साइड को सिंपली क्या से को कॉस में चेंज कर लिया, फिर एलसीएम ले लिया, देखते हैं एलसीएम लेने के बाद उसके बाद क्या सिंप्लीफाई किया, कॉस ए कैंसिल हो गया तो बचा गया वन प्लस कॉस ए। अब आते हैं राइट हैंड साइड लेके चलते हैं, नौ क्या लेंगे आर एच एस, अब राइट हैंड साइड क्या है देख लो, राइट हैंड साइड में साइन स्क्वायर ए डिवाइड बाय वन माइनस कॉस ए, साइन स्क्वायर ए ओके कितना है साइन स्क्वायर ए डिवाइड बाय वन माइनस कॉस ए ओके। अब
देखो यहाँ पे एक यहाँ कॉस में हम चाहते हैं साइन को कॉस में चेंज कर दो, तो फर्स्ट आइडेंटिटी यूज करो। तो फर्स्ट आइडेंटिटी क्या होता है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू वन। देयरफॉर साइन स्क्वायर ए इक्वल टू कितना होगा, देखो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू वन होता है। देयरफॉर साइन स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होगा, कॉस को इधर ले जाओ, प्लस है माइनस हो जाएगा, तो वन माइनस कॉस स्क्वायर ए। हम साइन स्क्वायर ए की जगह पर लिख सकते हैं तो वन माइनस कॉस स्क्वायर ए, जो मुझे कॉस में चेंज करना है। ओके तो चेंज कर लो, तो इसके जगह पर लिख दो वन माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो आपको आइडेंटिटी आपको ध्यान रखना है, ये सारे क्वेश्चन आइडेंटिटी बेस्ड है। ओके तो क्या लिखेंगे हम लोग, वन माइनस कॉस स्क्वायर ए डिवाइड बाई वन माइनस कॉस ए। बेटे वन को लिख सकते हैं, वन का स्क्वायर लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में आ जाएगा। लिख दो वन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर ए डिवाइड बाई वन माइनस कॉस ए। ओके बेटे अब देखो किस फॉर्मेट में आ गया, ये आ गया आपको इस फॉर्म में, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में आ गया। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए होता है। तो यहाँ ए क्या है, वन है, बी क्या है, कॉस है। तो जहाँ ए है वहाँ वन लिखो, जहाँ बी है वहाँ कॉस लिख दो, कॉस ए। ओके तो लिखेंगे हम लोग वन माइनस यानी ए माइनस बी यानी वन माइनस कॉस ए इंटू वन प्लस कॉस ए डिवाइड बाय वन माइनस कॉस ए। अब जो कैंसिल होगा कैंसिल करो, देखो ऊपर नीचे सेम फैक्टर है, कैंसिल हो गया, क्या बचा आपको, बचा हुआ है वन प्लस कॉस ए, यानी राइट हैंड साइड का वैल्यू कितना आया, सेकेंड ले लो, ये भी वन प्लस कॉस ए आया। देखो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड कितना आया था, वन प्लस कॉस ए, और राइट हैंड साइड कितना आया, ये भी आया वन प्लस कॉस ए। तो दोनों इक्वल है, दोनों की वैल्यू सेम है, लेकिन फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू क्या, राइट हैंड साइड आर एच एस दोनों इक्वल है। दिस इम्प्लाई दैट ये क्या था, वन प्लस से के था, वन प्लस लेफ्ट हैंड साइड में डिवाइड बाय से के, राइट हैंड साइड में क्या था, साइन स्क्वायर ए डिवाइड बाय वन माइनस कॉस ए, यानी दोनों इक्वल हो गए, प्रूव्ड हो गए, ये प्रूव करना था। ओके प्रूव्ड, ओके बच्चे।